तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले को सवाल को देखोगे, इसमें बेसिकली तुम देखोगे तो अगर टू मास है, एक का मास कैपिटल एम है, ये जो मास है वो कैपिटल एम का है, ठीक है ना, और ये जो है स्मॉल एम, कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग पुली मासलेस है। तो कहते हैं एक्सलेशन ऑफ कैपिटल एम, तो एक्सलेशन ऑफ कैपिटल एम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है, तो इस कैपिटल एम का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस पे जो टेंशन टी ऊपर लगेगा, या नहीं तो यहीं बना दो, क्या दिक्कत है। अगर तुम देखोगे इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसको यहीं पे बना दो। तो इस पे नंबर ऑफ फोर्सेज अगर दिखाओगे तो सबसे पहले देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ऊपर इस पे लगेगा टेंशन टी, ठीक है, और नीचे लगेगा इसका मास वेट कैपिटल एम जी, थोड़ा डीप इंक से बना रहा हूँ। और ये चलो मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कहीं पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है ए वन एक्सलेशन से, ठीक है, मान लिया मैंने। अगर ये ए वन पॉजिटिव आएगा तो मैं सही हूँगा, ए वन निगेटिव आएगा तो ऊपर जाएगा। चलो एम टू, स्मॉल एम टू, इस पे अगर देखो इस स्ट्रिंग में अगर आप टेंशन टी मान लिए हो तो इसमें भी टी होगा और इसमें भी टी होगा, और ये वही स्ट्रिंग है लेकिन इस वाले में टू टी होगा, ठीक है ना, क्योंकि पुली इक्विलिब्रियम में है। और ये तो ये जो छोटू वाला मास है, ये जो छोटू वाला मास है, इस पे अगर तुम देखोगे तो इस छोटू एम पे स्मॉल एम जी तो नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा इसमें, स्मॉल इसमें लगेगा ऊपर टू टी। तो अगर टू टी नीचे लगेगा तो ये जा रहा होगा ऊपर, चलो मान लिया मैं ए टू से जा रहा है। तो ये रहा इसका इक्वेशन। अगर मैं इन इक्वेशन को इक्वेशन लिखूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कैपिटल एम जी ज़्यादा होगा तो कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्मॉल एम जी का लिखो, ये ऊपर जा रहा है तो टू टी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए टू, और ये ए वन था, इक्वेशन नंबर टू। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गए, लेकिन अननोन तीन है यार, कौन कौन है, टी है, ए वन है और ए टू है, ये सारे इस इक्वेशन में क्या है, अननोन है। तो अगर अननोन तीन है तो एक इक्वेशन और चाहिए हमें। तो एक इक्वेशन आप मैं आपको बताया था, इसमें सिग्मा टी डॉट ए, सिग्मा टी डॉट ए दोनों एक्सलेशन को रिलेट करना पड़ेगा, इन दोनों ब्लॉक पे सिग्मा टी डॉट ए लगा दो। सिग्मा मतलब होता है समेशन ऑफ एक्सलेशन और टेंशन हर एक ब्लॉक पे, ठीक है ना। तो अब हर एक ब्लॉक पे इस पे लगा दोगे तुम, पहले वाले जाके मेरे चैनल पे दूसरे वीडियो देख लेना सिग्मा टी डॉट ए के बारे में। तो यहाँ से जो कैपिटल एम पे लगाओगे तो कैपिटल एम का टेंशन ऊपर, एक्सलेशन नीचे है। तो अगर मैं लगा टी ए वन कॉस 180 डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, एक्स टेंशन ऊपर है वेक्टर और एक्सलेशन नीचे है, इनके बीच का एंगल थीटा 180 डिग्री है। दूसरे वाले ब्लॉक पे टेंशन ऊपर है 2t, एक्सलेशन में ऊपर है, तो थीटा इनके बीच का एंगल 0 है। तो मैं लगाऊंगा प्लस 2t ए टू कॉस 0 दैट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये टी टी खत्म हो गया, माइनस ए वन प्लस टू टाइम्स ए टू इज इक्वल टू 0, मतलब टू टाइम्स ए टू इज इक्वल टू ए वन। तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर मुझे इक्वेशन थर्ड पता चल गया और ये सारी चीज़ें पता चल गई तो हमें अब सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इस ए वन की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट में रखूँ तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे ऐसे दिखेगा, कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू रखूँगा तो टू टाइम्स, यहाँ से टू टाइम्स कैपिटल एम, ये कैपिटल एम रहेगा बच्चों, ये कैपिटल एम रहेगा, और ए वन की वैल्यू ए टू, ठीक है। और इक्वेशन नंबर टू है टू टी माइनस स्मॉल एम जी और दैट इज स्मॉल एम ए टू। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ऊपर वाले में से टी से, इस वाले इक्वेशन में इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसमें इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ऐड कर दो तो ये इक्वेशन हमें चाहिए यार, हमें चाहिए कैपिटल एम का एक्सलेशन, मतलब हमें ए वन कैलकुलेट करना है। तो ए वन तभी कैलकुलेट होगा जब ए टू होगा, तो टू से मल्टीप्लाई करो तो टू कैपिटल एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू फोर टाइम्स कैपिटल एम और आ जाएगा ए टू, और यहाँ से टू टी माइनस स्मॉल एम जी दैट इज स्मॉल एम ए टू। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ऐड कर देता हूँ तो टू कैपिटल
कैपिटल एम, माइनस स्मॉल एम, और यहाँ जी कॉमन हो गया और यहाँ ए टू कॉमन हो गया, तो फोर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बच जाएगा हमारा, मतलब जो ए टू आ जाएगा वो टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम और फोर टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और जी से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज़ द ए टू। तो ये रहा अपना ए टू, तो हमें तो चाहिए ए वन, तो ए वन चाहिए तो इस एक्सप्रेशन में टू से मल्टीप्लाई कर दो, ए वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ए टू है तो इसका मतलब ये इसमें टू से मल्टीप्लाई करो तो फोर कैपिटल एम माइनस टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई फोर कैपिटल एम प्लस एम, और यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से दैट इज यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई जी, ये रहा अपना ए वन ए टू। अब देखो इसमें से क्या पूछा था और हमें क्या निकालना था, ठीक ना? तो अगर व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सलेशन ऑफ कैपिटल एम, तो अगर कैपिटल एम का डाउनवर्ड एक्सलेशन देखोगे तो कैपिटल एम का डाउनवर्ड एक्सलेशन देखोगे टू एम माइनस फोर, टू एम माइनस फोर एम प्लस एम जी और मल्टीप्लाइड बाई टू, मतलब यहाँ से टू से मल्टीप्लाई किए हो तो ये टू टाइम्स दैट इज, देखो यहाँ यहाँ टू छुपा हुआ तो ये बी ऑप्शन अपना सही हो जाता। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, सवाल अच्छा था नीट वालों के लिए। थैंक यू।